हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारा गुर्जर विभाग यूट्यूब चैनल और पुणे का एक ऐतिहासिक स्थान आगा खान पैलेस देखने के लिए आए। दोस्तों, इसी स्थान पर 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो स्वतंत्र संग्राम में हिस्सा ले रहे थे, उसी समय उनके साथियों के साथ यहाँ इंग्रज सरकार ने उनको बंद करके रखा था। अभी हम आगा खान पैलेस में हैं और महात्मा गांधी की सहचारिणी कस्तूरबा गांधी यही स्थान पर पैलेस में 2 साल तक रही थी और अंत में उनका निधन भी यहाँ हुआ था। उनकी समाधि भी यहाँ है। दोस्तों, यह जो आगा खान पैलेस है, ये खुलने का समय मतलब लोगों के लिए आने का समय है सुबह 9 बजे से और बंद होने का समय है शाम 5:30 बजे। और यहाँ एंट्री फीस हर इंडियन के लिए 25 रुपये देनी पड़ती है और अगर फॉरेनर कोई टूरिस्ट हो उनके लिए 300 रुपये टिकट लेना पड़ता है। मैं यहाँ के मुझे कुछ अच्छा ही लगा क्योंकि हमारा जो स्वतंत्र संग्राम में जो कई महापुरुषों ने काम किया, मतलब उन्होंने उनके संसार भी उसमें खत्म हुए। और इसी स्थान के बारे में तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, साथ साथ में सरोजिनी नायडू, इसी स्थान में 1942 में उनको अंग्रेज सरकार ने कैद कर लिया था। सैतालीस को स्वतंत्र मिला, लेकिन ये स्वतंत्र मिलने के लिए जो अंग्रेज के ज़माने में बहुत सारे लोगों को अपनी जान देनी पड़ी और उसी कुछ समय की ये साक्ष्य देता हुआ आगा खान पैलेस आप देख रहे हैं। और उन समय जिन नेताओं ने स्वतंत्र संग्राम में भाग लिया था उनके प्रति मेरी काफ़ी संवेदना है, मतलब मैं उनके प्रति अपना अभिवादन करता हूँ। इस भाग में आप पुणे में स्थित आगा खान पैलेस को देख रहे हैं और इस आगा खान पैलेस में 1942 में महात्मा गांधी उनके साथियों को भी पूरे सरकार ने बंद करके रखा था और इसके सिवाय यहाँ कस्तूरबा गांधी का निधन हुआ था, मतलब एक ऐतिहासिक जगह है। मैं ये देख के खुद को धन्य समझता हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट आप जरूर कीजिए। यहाँ हम रुकते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय।